तो आज हम बना रहे हैं चिली पटेटो। उसके लिए हमने ये पानी चढ़ा लिया कढ़ाई में, उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। ये देखिए फिंगर चिप्स की ऐसे हमने काट लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, आपस में चिपके नहीं हो ये डाल देंगे। हल्का सा ही इनको बॉईल करना है, ज्यादा नहीं करना, बस तो हल्की सी भाप लग गई। अब इनको ज्यादा बॉईल नहीं करना, हल्का बॉईल करके अब इनको चलनी में पसा देंगे हम। ये चलनी में हमने निकाल दिए, इसमें थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा हरा रोट पाउडर दोनों चीज डाल देंगे बाइंडिंग के लिए, फ्राई करें तो क्रिस्पी हो जाएंगे। गरम में डालना है, ये ध्यान रखना है, जिससे मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छे से चिपक जाए इनमें। थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दो। बाजार जैसी बना रहे हैं इसलिए हमने डाला है। मिक्स कर देंगे अच्छे से, कोटिंग उसकी हो जाए। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल में हम डाल देंगे, थोड़े थोड़े करके तल लेंगे। इसमें इसके लिए आपको आलू का ध्यान रखना है, हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, हमने पहाड़ी आलू नहीं लिया था, पहाड़ी आलू लेना जिससे कि ये टूटते नहीं है, हमारे थोड़े टूट गए थे ये, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको आलू का। ये हमारे फ्राई हो गए हैं, अब एक कढ़िया में हमने ऑयल चढ़ा लिया, उसमें अदरक लहसुन डाल दिया, क्रश करके डालना है, थोड़ी सी हरी मिर्च छोटी छोटी लंबी लंबी काट दी है, शिमला मिर्च डाल दी है क्योंकि चिली पटेटो बना रहे हैं, प्याज डाल दी है, इसको ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही करना है, क्रिस्पी थोड़े क्रंची बन रहे। नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा ही डालेंगे, काली मिर्च और थोड़ी सी आप अगर हरी प्याज हो तो वो डालें, और ये विनेगर और सिर्फ वो डाला है हमने, ये चिली लाल मिर्च की चटनी है और सेजवान डाल देंगे थोड़ी सी, थोड़ी सी टमाटर सॉस, हमने हरी धनिया की डंडी डाली है, आप चाहे तो अगर हरी प्याज मिल जाए तो उसकी ऊपर की जो डंडी होती है वो डाल दें, सेजवान से इसका स्वाद अच्छा था इसलिए हमने सेजवान डाली है, मिक्स कर लेंगे। ऊपर से भी हम हरी धनिया की पत्ती नहीं डालनी, डंडी डालनी है, इससे थोड़ा सा क्रंचीपन रहे इसमें, अच्छी लगती है, मिला नहीं था मेरे को हरा प्याज इसलिए मैंने डाला नहीं। देखो हमारी बन के तैयार है, तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए।